नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। एक बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी वाली खबर कह सकते हैं NIS वालों के लिए। जिन लोगों ने NIS से DLED किया था उनके लिए हाई कोर्ट से आ चुका है एक आदेश, और वो आदेश जो है वो उनके पक्ष में है। तो देख लेते हैं कि भाई ये आदेश कब का है। तो सबसे पहले लास्ट डेट देख लेते हैं। भाई देखिए, जो आदेश जो ऑर्डर डेट है वो आज की ही 8-10 की है। और क्या कहा गया है इस आदेश में, तो जो मुख्य चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई जो ऑनरेबल दिनेश कुमार सिंह जी जो हैं जज हैं भाई साहब, उन्होंने क्या का क्या कहा है। तो देख लेते हैं। द पेटिशनर्स हैव ऑप्टेंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। मतलब क्या हुआ है, NIS से इन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा ग्रहण किया था, तो उस पर बोला क्या गया है, तो ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिएगा कि लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पटिशनर सबमिट्स दैट द सेट डिप्लोमा हैज़ बीन रिकोगनाइज बाई द NCTE एंड इट्स इज़ इक्विवेलेंट एज पर विद द BTC। मतलब बताया गया पटिशनर द्वारा कि जो ये NCTE द्वारा एक रिकोगनाइज मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है जो कि दिया जाता है NCTE द्वारा, जो कि इक्विवेलेंट है BTC के। द पटना हाई कोर्ट इन CWJC नंबर इतना 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 वाइड ऑर्डर डेटेड इतना इतना हैज़ हेल्ड दैट द कैंडिडेट्स हु हैव DLED फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स एंड डिप्लोमा DLED बी कंसिडर्ड एज रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन फॉर द सेम। मतलब पटना हाई कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया था उसको कोर्ट करते हुए यहाँ पर जज ने कहा है कि उसमें कहा गया है कि जो NIS से जिन लोगों ने DLED किया है वह बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो NCT हैज़ रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसीडर सच कैंडिडेट्स हु हैव DLED कोर्स फ्रॉम NIS। तो भाई कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से कि आप उनको भी कंसीडर करिए जिन्होंने NIS से DLED किया है। दे शुड बी गिवन लिबर्टी टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट विद अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स। मतलब उनको मौका दीजिए कि वो अप्लाई कर सके नए रिक्रूटमेंट में जैसे बाकी एलिजिबल कैंडिडेट्स करेंगे, सब्जेक्ट टू अधेयर ऑफ अदर कैटेगरी एंड रिक्वायरमेंट सच एज पासिंग ऑफ TET एग्जामिनेशन। मतलब उनको मौका तभी मिले जब वो टेट वेट क्लियर होंगे। ऐसे नहीं कि आप सीधे उनको नौकरी पर रख लीजिए या फिर सीधे आप भर्ती में उनको अलाउ कर दीजिए। नहीं, बाकी जैसे कैंडिडेट्स टेट देंगे वैसे ही वो भी टेट देंगे और अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा करेंगे। लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पटिशनर सबमिट्स दैट द पटिशनर हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड टेट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2019। अब जो पटिशनर थे उन्होंने ये बताया कि 2019 में उन्होंने टेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड एडवर्टीजमेंट फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ UP टेट फॉर द 2021। तो भाई जो गवर्नमेंट है उसने क्या बोला है, एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया 2021 यूपी टेट के लिए। तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज इतना ही, देयर फॉर सबमिट्स दैट इन व्यू ऑफ द ओ aforesaid letter issued by the NCT, the petitioner should permit to apply in pursuance of the advertisement dated इतना इतना इतना। मतलब उसको अलाउ किया जाए यूपी टेट 21 में बड़े आराम से फॉर्म भरने के लिए। कंसिडरिंग द फैक्ट द NCT हैज ऑलरेडी रिकोगनाइज द DLED कोर्स ऑफ NIS एज इक्वल टू BTC, एंड्स ऑफ जस्टिस वुड मीट इफ द पटिशनर अलाउड टू अपियर इन द सेट एग्जामिनेशन। मतलब जस्टिस तभी मिलेगा जब उस पटिशनर को जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जामिनेशन में अपीयर होने दिया जाए। हाउ एवर देयर रिजल्ट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटीशन। लेकिन अभी भी एक बात जो कही गई है, जो बात कही गई है और वो जो मुख्य है, देखिए इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो सब कुछ क्लियर हो चुका है, फिर भी कहेंगे कि जो अंतिम फैसला होगा वो यूपी टेट का जो रिजल्ट, उसकी जो याचिका पे जब अंतिम निर्णय आ जाएगा तो उसको असली अंतिम निर्णय माना जाएगा। 4 weeks टाइम इज ग्रांटेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट, 2 weeks टाइम देयर आफ्टर शैल बी अवेलेबल टू फाइल द रिजॉइंडर एफिडेविट। बोला गया अब आपको काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए सरकार को बोला गया है, वो अपना काम करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए आई है कि साफ साफ कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है कि इन लोगों को लिबर्टी दी जाए, इन लोगों को मौका दिया जाए कि वो यूपी टेट या फिर जो भी अब सुपर टेट एग्जामिनेशन होगा उसमें वो बड़े आराम से फॉर्म भरें और अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते हुए वो अपने अगले एग्ज़ाम में बैठें। इसका मतलब साफ साफ सीधी सी बात ये है, आप लोगों को अब मौका दिया जाने वाला है। NIS वाले खुश हो जाइए, आपको मौका मिलने वाला है।
अगली भर्ती में ऐड होने का। अभी तक आप लोग को ऐड होने नहीं दिया जाता था, बट इस कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सभी जिन लोगों ने NIS से DLED का कोर्स किया है वो सही माने जाएंगे, BTC के इक्विवेलेंट माने जाएंगे और आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आई होप आपको सही जानकारी मिल चुकी होगी कि कोर्ट में क्या हुआ। इसी तरीके से कूल कंटेंट हैं, एजुकेशनल कंटेंट है और कोई भी चीज़ काम की आपसे छूटने ना पाए उसका पूरा ध्यान इस चैनल पर रखा जाएगा और रखा जाता है और रखा जाता रहेगा। अपना प्यार देते रहिए, चैनल से जुड़ते रहिए और इस चैनल को और बड़ा बनाइए। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का संग कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।